क्या हो गया पहलवान जी? हसिया ये लड़ा ली रे, ये धोखाबाजी कर रखी है पूरी पूरी। अरे लड़कियों के साथ कल 9 बजे तक बैठा रखा है और 9 बजे बाद भगा दिया यहाँ से, और सुबह 7 बजे के बैठे हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? मैं बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया गुरु जी हूँ। हमारे साथ सरेआम अन्याय कर रखा है। ये क्या है मैटर, समझाओ थोड़ा सा। ये मैटर, ये लड़कियाँ मेरे पास करती है, दिल्ली की पीरागढ़ी में रहती है जी। और इनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सारी चीजें ओरिजिनल मांगा, जना हमारी सजा कराओ। और इन्होंने अब ये लड़ा दी दूसरी, 3 लड़कियां 2 लड़कियां और है जो सेकंड आई हुई है, उनकी जगह पता ना तीसरा चौथे नंबर ही कौन कौन लड़ा रखी है। मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा, बताओ ढंग से, बताओ ढंग से। ये अजीब, दिल्ली 10-11 तारीख को स्टेट चैंपियनशिप हुई, उसमें ये लड़की फर्स्ट आई थी, और अभी टाइम इसका नाम डाल दिया और अब इसको लड़ा नहीं रहे, दूसरे का नाम डाल दिया। जो ये नेशनल चल रहा है पहलवान जी? हाँ नेशनल चल रहा है। अच्छा, ये आपको वाली लड़की क्या नाम है? हम इसका नाम अंतरा है, इसके टाई में भी नाम है, और इसको लड़ा जा रहा है दूसरी लड़की को नादा। ये लड़कियां गरीब घर से लड़कियां है, बहुत ही गरीब घर से है लड़कियां। दूसरी बहन का भी कार्ड रखा है, उसकी जगह तो फर्स्ट आई थी, वो भी लड़ाई थर्ड चौथी नंबर की लड़ा रखी है। पता हम प्रोटेस्ट में थे, अगर इनको एक एक करके चुन चुन के मारना है, चुन चुन के निकालना है। जो दिल्ली बैठे थे उन लोगों का अलग कर रहे हैं, चुन चुन के निकालना है। जो लोग दिल्ली बैठे थे उनको अलग कर रहे हैं, दिल्ली बैठे थे उनको अलग कर रखा है बिल्कुल। जो लड़ने वाले हैं उनकी आंखों में कटकते हैं, उनको बाहर करना है। अच्छा, कौन सी लड़की है? ये लड़की अंतरा लड़की है। फर्स्ट आई थी। क्या हो गया अंतरा, क्या हो गया? मैं फर्स्ट आई थी दिल्ली स्टेट से। अच्छा, सेकंड को लड़ा, तो अभी लड़ा नहीं जा रहा। तो पेपर, आपके पेपर में तो दिक्कत नहीं है कुछ है? नहीं है। तो क्या दिक्कत होगी? ओरिजिनल है मेरे। अच्छा, पेपर ओरिजिनल है। हाँ। क्यों निकाला जा रहा है, कमी क्या है? पता नहीं क्यों निकाला जा रहा है, सेकंड को लड़ाया जा रहा है। अच्छा, आप फर्स्ट आई थी, फर्स्ट का वो पेपर कहाँ है सर? फर्स्ट का ये पेपर आ जी। ये सर्टिफिकेट है स्टेट का, स्टेट में फर्स्ट आई थी 4 दिन पहले। ये कहाँ से लड़ी थी? दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली में। मैं भी दिल्ली में नौकरी करता हूँ 30 साल से, स्टेडियम में। अच्छा, हाँ जी, वहाँ फर्स्ट आई थी, फर्स्ट आई थी। अभी क्यों निकाला, क्या गलत बता रहे हैं? अब यह पूछो इनके पास, हम तो कल से लग रहे हैं, कौन से पूछो क्यों निकाल रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट दिखा बेटे, और डॉक्यूमेंट क्लास है दिल्ली में पटी है। आप कौन हो? मैं इसका पापा। ये देखो, ये एड्रेस देखो, पीरागढ़ी, ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये वहाँ गार्ड की नौकरी करता था, वो आधार कार्ड दिखाओ बेटा। अरे अभी तो अध्यक्ष जी आए हुए थे संजय सिंह जी, उनसे बात क्यों नहीं करी आपने? कोई बात करने के लिए गए थे, पहले हम बात करके बताएंगे। ये इसका आधार कार्ड है, ये देखो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र कार्ड, ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये पहले का भी, ये जन्म प्रमाण पत्र है। तो बता क्या रहे हैं, काटा क्यों है? पता ना, हमने को बता ही नहीं रहे, कभी मिले, ऊपर से फोन आ रहा है, इसलिए इसके और कुछ मांगते रहो, और कुछ मांगते रहो, ये लड़ाने नहीं है, ऊपर से ये फोन आ रहा है, ये को बात थोड़ी लड़ाने नहीं, कौन है ऊपर से फोन कर रहा? ये तो उनसे पूछो कौन फोन आ रहा है ऊपर से। अभी ये जो इसकी बाउट होनी थी वो होगी जिसके साथ इस, जिसकी लिस्ट में नाम नहीं है क्या इसका? देखिए स्टेट में जीते हैं तो लिस्ट में नाम होगा, लिस्ट में नाम था, टाई में भी नाम था, इसलिए बैठे थे। लेकिन टाई में आपने, आपको कॉपी भेज देंगे, आपको टाई की जो यहाँ ड्रास की टोपी। कितने केजी में गुड़िया? ये 50 किलो में, विनेश फोगाट के वजन में है ये। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बेटा क्या बोले आपको, क्या बोला अंदर से? कि सेकंड को लड़ाया जाएगा। क्यों, मतलब कारण आपने नहीं पूछा? अब आप इन्हें कुश्ती लड़नी है तो कारण पूछो। अरे ये क्या बात हुई, कुछ तो कारण होगा, किसी से तो पूछो। सर वो रमेश बोर जी होंगे यहाँ पे, वो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करो आप। ऐसा जी, सब ऊपर से सब मिली, कल से बात कर रहे हैं। इनका यहाँ मेहरबान को जो बैठे थे यहाँ,
कागज चेकिंग के लिए सभी से बात कर लिया हमने, नवल किशोर था सबसे बात कर ली। अब आखिर सार ये रह गया मीडिया का, प्रेस का, कहाँ जाए हम गरीब आदमी का, ये इतने गरीब घर से है बच्ची कहाँ जाएगी। एक लड़की ये रही, ये सेकंड आई थी, ये तो दिल्ली की है, देखो आप इसका क्या हुआ बेटा, क्या हुआ डॉक्यूमेंट। मेरे वजन में एक लड़की हरियाणा की है और मैं सेकंड आई थी, मैं पूरे प्रॉपर दिल्ली की हूँ और फिर भी वो आज यहाँ खेलने आ गई। नहीं आप, मैं आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराओ, वो तो डॉक्यूमेंट्स मेरे फोन में है, प्रॉपर दिल्ली के, कोई भी कुछ भी देख लो मेरे डॉक्यूमेंट। जी जी जी, तो आप यहाँ अध्यक्ष जी हैं, वो रमेश बोर जी हैं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात करो, वो कर देंगे समाधान। भाई साहब प्रधान जी, राम राम। पहले तो भाई सारे भाई राम राम, एक बाउंड्री है ना, प्लेयर डिस्टर्ब होया, उनका जाके जमा कर लो। एक बार आप इनकी बातों की बताए दो ना जी, आ जाओ आप, आ जाओ इस बात करो, इस बार आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो भाई ये जो मामला है आप लोगों के सामने है, ये नेशनल हो रही है रोहतक यूनिवर्सिटी में, और कुश्ती का कुछ मैटर है, जो कुछ गुड़िया हैं बेटियां हैं ये कह रहे हैं हमारे साथ कुछ, हम जीतते हैं, हमें लड़ाया नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात हुई है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोर जी, तो रमेश जी से हम बात करेंगे, इनसे भी मिलेंगे और पूछेंगे कि ये है क्या समस्या क्या है। हेलो हाँ जी कोच साहब, राम राम। नमस्ते जी, दो एक बार अपना। मैं जी आर्य वीरेंद्र, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया का कोच साहब हूँ जी, और आज मैं यहाँ रोहतक आया हुआ हूँ जी, नेशनल के लिए लड़कियाँ दिल्ली से, दोनों लड़की मेरे पास कुश्ती करती हैं और एक लड़की फर्स्ट आई थी, ये अंतरा, और ये प्राची सेकंड आई थी, ये प्राची सेकंड आई थी जी। और ये लड़की नेहा, ये हमारी भांजी है खेड़ के, खेड़ नांगल ठाकरान से, तो बड़ा भयंकर दर्द है, अब कुश्ती को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। क्यों? बिल्कुल अगर बच्चियों का, हम प्रोटेस्ट में थे, प्रोटेस्ट में थे, थोड़ा समझाओ, हम जो जंतर मंत्र पर जो प्रोटेस्ट था उसमें थे। कौन था जंतर मंत्र पर? जंतर मंत्र पर बजरंग पूनिया, विनेश और साक्षी जी। और उनके साथ पूरा का पूरा कुश्ती समाज खड़ा था जी। और पूरे सामाजिक लोग खड़े थे जी। और एक नहीं सुनाई हुई और उसका जीत्या जाता उदाहरण अब देख लो, अब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अब तलवार शुरू कर दी है। नाम बताओ, ये कौन है गुड़िया? इसका नाम अंतरा है जी। ये कितने केजी वेट में थी? ये 50 किलो वेट में थी और फर्स्ट आई थी दिल्ली में स्टेट चैंपियनशिप में। इसके पूरे डॉक्यूमेंट हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट मेरे तक कहते वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड तो नहीं बना है। अरे मैं दिल्ली में 30 साल से नौकरी करता हूँ, वोटर कार्ड तो मेरा हरियाणा का है, मैंने तो नहीं बनवाया दिल्ली का वोटर कार्ड, अब मैं कहाँ से दूँ? और दिल्ली में रहता हूँ लेकिन नहीं बनवाया मैंने वोटर कार्ड। अब इस लड़की का नहीं, एक मैं यहाँ से पूछूंगा कोच साहब, ये जितनी मतलब इस चैंपियनशिप में जो वेट कैटेगरी भाग ले रहे हैं जितने बच्चे, क्या सबके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं? किसी का भी नहीं चेक, आप सब कुछ मनमर्जी का, आप पूरा इसको चेक कर सकते हो, सब कुछ मनमर्जी का चला रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मनमर्जी चल रही है, इनका शोषण आप देख सकते हो, बच्चियों के माँ और इनकी माँ या लड़की 5 दिन से फेडरेशन में चक्कर काट रही है, 5 दिन से, और इसकी कोई सुनाई नहीं। अभी अध्यक्ष महोदय अभी एकदम से ले गया, तेरा यहाँ का है तो तेरे को कैसे निकाल दिया, जाके वो लिपा पोती कर वापस देखते हैं, वो एप्लीकेशन दे जाओ, बोले 5 दिन पहले एप्लीकेशन दे रखी है मैंने, दे उस पर क्या करा? तो सब कुछ लेपा पोती चल रही है सब कुछ। इन बच्चियों को मतलब निकालना क्यों गया, इसका कारण क्या बताया? मतलब ये प्रोटेस्ट वालों के साथ हैं या बजरंग के कोच हो इसलिए आपके पास ये प्रैक्टिस करती हैं, इसलिए कारण क्या बताया? इनका कारण ये है बच्चियों का शोषण करना, सीधी बात बताता हूँ आपको, आके इनको ऑफिसों में बुलाना, इनके माँ बाप को ऑफिसों में बुलाना, पहले बिले हम तेरी माँ को समझाएंगे फिर तुम्हारे को समझाएंगे, सीधा काम ये है। और अब सीधी सारी जांच कर सकते हो आप, बिल्कुल भ्रष्टाचार में। और हम तो ये सोचते हैं अब भाई इसका अच्छा तो मरना भी अच्छा है,
अब भी हम दिन रात इन बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और फिर ये परिणाम मिलता है और फिर ओलंपिक की आस करते हैं, हम ओलंपिक से कायदे से मेडल जीते। मान आज क्यों काटे हैं नेशनल में, जो रोहतक यूनिवर्सिटी में नेशनल हो रहा है, इसमें से क्यों निकाली गई है लड़कियां, ये कारण बताओ बस। ये बता ही नहीं रहे, बोले आपकी बोले शिकायत आई हुई है, मां किस चीज की शिकायत आई हुई है, वह शिकायत कई दिन पहले आई है, किसने करी है, हर शिकायत की जांच करो। फिर इसको बच्चे को नुकसान क्यों, इसका ड्राज में नंबर भी डाला है एनए 420 करके, जब ड्राज में नंबर था तो फिर क्यों निकले, फिर आपके सामने आपको बाइट दी थी हमने, आपके सामने निकाला हमने ड्राज में, दोनों लड़कियां गई वहां फिर भी नहीं, कल 9 बजे यहां से वापस जब सब जा लिए, बोला हम बताते हैं बताते हैं, ऊपर से आ जाता है, सब ब्रजभूषण की टीम है सब टोटली। अच्छा, आप संजय सिंह से भी मिले हो और आप रमेश से भी मिले जो हरियाणा के, सबसे मिल लिए तो उनके जवाब से सेटिस्फाई हो आप? और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं, कती सब लिपा पोती, आपने कुछ नहीं बात करी संजय सिंह, बिल्कुल लिख के दे जाओ, मेल पर भेज दो हमारे, हम दे देंगे, द कर लेंगे, बस कुछ नहीं। संजय सिंह से बात करी कोई सेटिस्फाई नहीं, कुछ नहीं, जीरो। ये सारा ये हाँ ये सारा मामला आपने संजय सिंह की नॉलेज में डाल दिया, कुछ नहीं, सब कुछ नॉलेज में डाल दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ एक है। वो तो ये कह रहे कि हम तो कुश्ती को ऊपर ले जाने के लिए, अरे कहा ऊपर है, पता चल जाएगा थोड़े दिन में ऊपर ले जाए, कित ले जाए, वो तो पता लग गया तो कितने मेडल, ये ऊपर है देख लो, नहीं बे ओलंपिक में देख लिया होगा, मेडल आया हुआ अभी खंदवा दिया उल्टा, ये तो ऊपर तीसरे ले जाएंगे। इन बच्चों से बात कर रहे हैं, गुड़िया क्या बोला था आपको, कुश्ती क्यों नहीं लड़ने दिया, इस सेकंड को लड़ने देंगे कि आप दिल्ली के नहीं, आपके नकली कागज है, तो मेरे कागज भी दिखाए थे, सारे तो ओरिजिनल थे या नकली थे, ओरिजिनल थे सभी, तो नहीं फिर भी नहीं खेलने दिया, नहीं। आपके साथ क्या दिक्कत हुई, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है और मैं नांगल ठाकरान से हूं प्रॉपर बिल्कुल, और राकेश अकाडा में प्रैक्टिस करती हूं। तो आपको क्यों निकाला गया गुड़िया? मैं सेकंड आई थी और वो जो फर्स्ट आई थी वो उसके पेपर थे हरियाणा के, मैंने कुश्ती से पहले भी प्रोटेस्ट किया था, फिर भी वो लड़ा दी, मतलब कुश्ती स्टार्ट हो गई थी, टाई भी पड़ गई थी, उसका वजन तब लिया गया था फोन करवा के, और मैंने फिर अब मुझे 4-5 दिन हो गए, मैंने उसकी एप्लीकेशन भी दी कि विनोद तोमर सर ने भी बोला था कि मैंने ये लिस्ट में नाम निकाल रखा कि ये नहीं लड़ सकती, फिर भी ये आज लड़ा दी और अभी यहाँ मतलब यहाँ नेशनल खेलना दी। वो अभी आपको क्या क्या बोला, क्यों उठाया? अभी मुझसे बोला है कि ये लास्ट नेशनल इसको लड़ने देंगे, दिल्ली से आगे से नहीं लड़ने देंगे, ये बोला है, और देखो इनकी क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो तो अगली बार ही पता चलेगा। तो ये पहलवान है, ये रोहतक यूनिवर्सिटी में नेशनल लड़ने के लिए आए थे, वीरेंद्र आर्या जी जो बजरंग पूनिया ओलंपिक, दीपक पूनिया ओलंपिक जो हैं, उनके कोच है और उनके पास ये बच्चियां प्रैक्टिस करती हैं, एक लड़के ये दिल्ली से हैं, ये सब परेशान है, इनका नाम देने के बाद जब इनकी कुश्ती तय थी कि इनके साथ इसकी कुश्ती होने, बावजूद इसके इनका नाम जो है वो काट दिया गया है। पहलवान जी, इस साजिश के पीछे इनकी क्या मंशा लगती है, आखिरी बात जाने, इनकी साजिश के पीछे यह है इनकी मंशा, इस कुश्ती को, क्योंकि हरियाणा में योद्धाओं की धरती है और इस कुश्ती को हरियाणा को कति खत्म करना है, और इस देश की कुश्ती को बिल्कुल, ये हरियाणा हरियाणा के नहीं है, ये पूरी देश की कुश्ती को खत्म करने के ये हक में चल रहे हैं, ये अकेला हरियाणा मत समझो इसको, ये पूरे देश की कुश्ती को चाट कर खाएंगे। उत्तर प्रदेश की कितनी लड़कियां होती थी कुश्ती में, आज कितनी लड़कियां हैं, ये इनका पूरा पूरा इनका तो सारा काम ये बता दिया। अब जो विनय सर, जो बजरंग हर, जो साक्षी, जो गलत नहीं थे, वे बिल्कुल सही, वे और हम भी उनके साथ इसीलिए उनका साथ दे रहे थे, वे बिल्कुल सही जगह पर खड़े थे। उनका बदला लिया जा रहा है, उनका बदला लिया जा रहा है, बिल्कुल सो का सो लेंगे। कुछ अब आपने देश को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान तैयार करके दिए हैं, आप जब यहाँ आए और आपने ऑब्जेक्शन दिया तो आपकी बात भी नहीं सुनी किसी ने, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, धक्के देगा बाहर करो, चलो भाई यहाँ से चलो चलो। तो ये हालात रोहतक यूनिवर्सिटी में, अध्यक्ष जी राम राम भाई नमस्कार जी भाई साहब, क्या हाल है? आज नेशनल हो रहा है यूनिवर्सिटी में रोहतक, तो यहाँ एक दो तीन लड़कियां आई हुई थी अपने परिवार के साथ, उन्होंने बात कही कि भाई हमारी कुश्ती नहीं कराई जा रही, जो कि हम स्टेट में दिल्ली की तरफ से फर्स्ट और सेकंड आए हुए हैं, सर वो क्या कारण था, क्यों नहीं कराई गई, रीजन क्या है? देखिए अभी मनु भाई, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो हम हरियाणा मेजबानी कर रहा है जी, तो हम सोच रहे हैं कि सोच क्या, ये रूल है कि जिस भी स्टेट से बच्चे आएंगे उनकी लिस्ट हमारे पास आती है, उस लिस्ट से
अलावा हम कोई नहीं खिला सकते। अगर मेरा बस चल जाता हूँ पूरे हरियाणा की लड़कियां ने हरियाणा में हो रहा नस्ल खिला दूँ, पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ आरोप लगाया है कि भाई हम इनके जो कोच है वीरेंद्र कोच जी, जो बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया के कोच भी हैं, और जो जंतर मंतर पर साक्षी मलिक विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के प्रोटेस्ट में भी शामिल था, वो कह रहा है कि भाई हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कम्प्लीट हैं, लेकिन वो मतलब दवेश रखते हुए हमारे जो शिष्य हैं उनको नहीं खिलाया जा रहा है। देखो एक क्या उसकी एक ही शिष्य है, वो एक साल में पहले भी नेशनल हुए हैं, अंडर 17 हुआ है, अंडर 19 हुआ है, अंडर 23 हुआ है, सीनियर हुआ है, क्या उसका एक ही प्लेयर खेला आज तक? ये द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार की। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो WFI में दिखा दें, वहाँ से हमारे पास मेल आ जाएगा, हम तुरंत उस बच्चे को खिला लेंगे। वो कह रहे हैं कि एक पहलवान का एक जो लड़की थी उसका तो उसमें नाम है कुश्ती, मैं बता देता हूँ, लेकिन उसमें किसी और पहलवान को लड़ा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। बच्चे हैं ये दो दो तीन तीन डेट ऑफ बर्थ बनवा लेते हैं, मैंने मेरे को ये नहीं पता उस लड़की की है या नहीं है, मैं इन जनरली बात बता रहा हूँ आपको। हो सकता है किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया हो और वहाँ किसी डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया हो और उनके पास ना मिला हो, इस ये कारण हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और जन्मतिथि, जन्म प्रमाण पत्र, तीनों चीजें तो फिर WFI में क्यों नहीं दिखा देते? आज भी अगर WFI में ईमेल हमारे पास आ जाती है फेडरेशन की या दिल्ली की तरफ से खेल रही हो लड़की आप बता रहे हो, तो दिल्ली की मेल आ जाते थे, हमने खिलाने में क्या ऐतराज है? आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह उनसे ली है इसी मतलब कि भाई हम इस पर जांच करेंगे कि भाई आपके पेपर सही हैं और आप सही हो तो एप्लीकेशन दे दो, अगर उनके पेपर सही पाए और एप्लीकेशन उनकी है ही है तो क्या करोगे भाई? मेरे पास ना तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक मैंने खुद मांगा था उनसे कि आप मेरे को जो आपका स्टेट में जो सर्टिफिकेट बन रहा था आपका वो मेरे को दे दो। मैंने उसी तथ्यों पर WFI में बात करी है और ये ही बता रहा हूँ मैं कि वे अपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वे दिखाने में असमर्थ थे, इसलिए उस लड़की का नाम कटा गया। वो तो आपके ऊपर गंभीर से आरोप लगाए गए हैं, यहाँ धांधली मेरे पे राजनीतिक सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए हमारी बच्ची को खेलने दिया। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ हमने तो नाम कटा नहीं, ये तो व्यर्थ की बात है। हमारे पास जिस भी स्टेट का, अगर हरियाणा की अगर बात करते तो हम मान भी लेते, अब दिल्ली की जो लिस्ट बनकर आई है वो तो दिल्ली वाले जाने, दिल्ली से, बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, जो उनकी लिस्ट बन का आएगी उन्हीं को तो हम खिलाएंगे। अब कल ने मेरे भी बहाने बेटी में कह देंगे मन्ने भी नेशनल खिला दे, तू तो करवाए रहा हरियाणा तो खिला दो, ऐसा ऐसा उचित बात नहीं। लेकिन एक बात है रमेश भाई, आप लोकल हो, कुश्ती को अच्छे से जानते हो और आप हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हो कुश्ती संघ के, तो आपका दायित्व बना है। देखो पर्सनली आपने हमको कहे हैं, हम भी कुश्ती से जुड़े हुए हैं, मैं तो पर्सनली कुश्ती से जुड़ा हूँ, आपका दायित्व बना है कि इस पर जांच करो। ऐसा देखो, फिर मैं तो बता देता हूँ आपने, वो मैटर है दिल्ली का और आवाज़ उठाई है हरियाणा ने, मैटर दिल्ली का है ये, पर फिर भी हमने आवाज़ उठाकर WFI में अपनी बात पहुँचाई है कि किसी पहलवान के साथ गलत ना हो। जी चलो ठीक है, धन्यवाद।